दिगंबर जैन महासमिति व सामाजिक संसद के संयुक्त तत्वाधान में मोदी जी की नसिया बड़ा गणपति के प्रांगण में रविवार दोपहर 1 बजे से अल्पसंख्यक दिशा बोध विषय पर व्याख्यान दिया गया। इसमें गुना से आए विशेषज्ञ अनिल जैन बड़कुल ने विचार रखे। संस्था के डीके जैन और जैनेश झांझी ने बताया कि मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक बरजात्या, विशेष अतिथि एसके जैन इंडोरामा और समाज के अध्यक्ष नरेंद्र वैद्य थे। इस मौके पर अतिथियों ने उपस्थित समाजजनों को अल्पसंख्यकों को शासन से मिल रही सुविधाओं, छात्रवृत्ति, कम ब्याज पर ऋण, महिला स्वयंसेवी समूह को लाभ आदि के बारे में शंका का समाधान करते हुए योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र जैन ने किया व आभार जिनेश जैन झांझरी ने माना। समिति मध्यांचल के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जैन समाज को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है। अल्पसंख्यक संख्या के आधार पर घोषित किया जाता है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जैन समाज 0.4% है। इस आधार पर जैन समाज को अल्पसंख्यक मान्यता प्राप्त हुई है। इस अल्पसंख्यक के अंतर्गत समाज के बंधुओं को जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें सरकार द्वारा बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है। क्योंकि जानकारी का अभाव होने के कारण समाज जन इधर उधर भटकते रहते हैं। इसी को लेकर के दिगंबर जैन महासमिति, दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद इंदौर ने एक इसका सेल गठित किया है। उस सेल के अंतर्गत आज यह मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर में पहला इस प्रकार का आयोजन दिगंबर जैन महासमिति और इंदौर जैन समाज सामाजिक संसद द्वारा आयोजित किया गया है।